हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू सिविल स्टेप बच्चे एज यू ऑल नो हमारे एच ई का आंसर राइटिंग मॉड्यूल चल रहा है, उसी environment है. Environment question, तो उसी के अंदर एनवायरमेंट का डे टू है लास्ट क्लास में हमने एनवायरमेंट के तीन क्वेश्चंस डिस्कस किए थे विच इंक्लूडेड वन फो मार्क क्वेश्चन वन एट एंड वन ट्वेंटी मार्क क्वेश्चन तो उसी पैटर्न में आज भी हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एक आपका फोर मार्क्स का क्वेश्चन होगा एक आपका एट का होगा और एक आपका ट्वेंटी मार्क्स का होगा एंड आई होप जो हमारे कल के क्वेश्चन थे जो आपको मिल चुके होंगे ठीक है ना आई एम होपिंग कि आपने उनको अटेम्प्ट किया है तो लेट्स सी कि आज के जो ये क्वेश्चन है आपके ये तीन उसमें हमने क्या लिखना था ठीक है जी क्योंकि इवेंचुअली वेर इट कम्स टू मेन्स एवरीथिंग रिवॉल्व अराउंड कंटेंट आपका कंटेंट क्या है और आपसे पूछा क्या गया है और आपने क्या उसके अकॉर्डिंगली अपना आंसर लिखा है या नहीं लिखा है एंड जो नहीं भी क्वेश्चन में मैंशन है तो क्या आपने वो चीज लिखी है ये किस लेवल तक हमने वो चीज लिखने वो भी हम आज देखेंगे ठीक है जी सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा फोर मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज दी कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जिसे कि हम सीबीडी कहते हैं और यू कैन इवन कॉलेटर्स यूएन सीबीडी एक ही बात होती है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन जिकल डायशन द प्रोटोकॉलिडर डी के बारे में लिखना था और आप उसके अंडर जो उनके बारे में लिखना था चार नंबर का तो क्वेश्चन की नहीं है, लिखना है. Also, चाहे का है या फिर आपकी लॉन्ग क्वेश्चन है आपको एक स्ट्रक्चर तो अध्ययन करना पड़ेगा लॉन्ग क्वेश्चन में यू आर सपोस्ट विद प्रॉपर इंट्रोडक्शन एंड प्रॉपर कंक्लूजन फोर मार्क्स में सिंपल एक इंट्रोडक्ट्री लाइन और एक सिग्निफिकेंट की इंक्लूडिंग लाइन इज सफिशियो फोर मार्क्स का है तो फोर मार्क्स में जनरली जो आपका question है, उसी ही हम अपने इंट्रोडक्शन बना लेते हैं सो द क्वेश्चन इज ऑन सी बी डी तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इट इज ऑन दी वट इज सी बी डी सो दिस इज ए इंटरनेशनल ट्रीटी विच इज इस्टेब्लिश टू प्रमोट दंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ठीक है जी वेरी सिंपल कुछ ज्यादा हमने फैंसी नहीं लिखना है टू द पॉइंट लिखना है बिकॉज वर्ड लिमिट बहुत थोड़ी है हमारे पास तो हम इधर उधर की बातें लिखने की हमारे पास ना ही स्पेस होती है ना ही हमारे पास इतना लिमिट होती है ठीक है जी टू प्रमोट द कंजर्वेशन ऑफ बायोडावर्सिटी सस्टेनेबल यूज ऑफ द कंपोनेंट्स एंड फॉर दर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द जेनेटिक रिसोर्सेज आप देख ही चुके होंगे कि ये बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज आपके कुछ प्रोटोकॉल से आ रही है तो कहीं ना कहीं वही प्रोटोकॉल इसके अंडर आएंगे सो एवरीबडी एंड एनी बडी हुए स्टडेड दिस टॉपिक वेरी क्लियरली तो उसी आपकी इसी इंट्रोडक्शन की इंट्रोडक्टरी लाइन से ही पता लग जाएगा कि सीबीडी में आपने लिखना क्या है ठीक है जी सो so, सीबीडी वॉज ओपन फॉर सिग्नेचर एट अर्थ समिट इसे हम रियो समिट भी कहते हैं तो रियो अर्थ समिट में येट वॉज ओपन फॉर सिग्नेचर एंड इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द में पार्टी टू दिस यू एन सीबीडी ठीक है जी सो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लोबल अग्रीमेंट विच एड्रेस एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी रिगार्डिंग योर बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी की अगर कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन है विच इज लीगली बाइंडिंग सो दट इज दिस यू एन सीबीडी ठीक है ना तो बहुत इंपॉर्टेंट ठीक है है जी थी? अब कि कि ये क्या और उसके second part था कि इसके अंदर कौन से प्रोटोकॉल्स आपको मेंशन करना है? तो दो प्रोटोकॉल्स इसके मेन आते हैं पहला आता है आपका काटाजिना प्रोटोकॉल ये हम सबको पता है कि ठीक है ना हैंडलिंग ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स सो अडोप्टेड इन टू थाउजेंड दिस प्रोटोकॉल एंड शोज द सेफ हैंडलिंग ट्रांसपोर्ट एंड यूज ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आपके जो काटा जीना प्रोटोकॉल है ये आपके एल एमओ की हैंडलिंग को रेगुलेट करने के लिए है ठीक है जी रिजल्टिंग फ्रॉम द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी की वजह से आपके एल एमओ बनते हैं तो उनकी सेफ हैंडलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज दे हैव द पोटेंशियल टू डिस्टरप्ट दायरमेंट एंड ह्यूमन लाइफ इन जनरल ओके सो दैट में हैव एडवर्स इंफेक्ट ऑन बायोलॉजिकल

फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम द यूटिलाईजेशन तो ये सेकंड आपका प्रोटोकॉल है ये आपका हुआ था जापान में

लायबिलिटी एंड रिड्रेसल टू कार्टाजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी की अगर कार्टाजिना प्रोटोकॉल की इम्प्लीमेंटेशन में अगर कोई भी हम कह सकते हैं कि इरेगुलरिटी इर आती है या कुछ भी देर इज समथिंग कॉल एज की रिस्क फैक्टर बढ़ता है किसी भी सेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स पे या फिर आपने आपकी बायो सेफ्टी बायोडाइवर्सिटी इन जनरल तो उसके लिए लायबिलिटी और रिड्रेसल का जो प्लेटफॉर्म बना है वो है आपका ये नगोवा पर आपका प्लेटफॉर्म है ठीक है सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल है तो ये तो दो आपके मेन आते थे सीबीडी के अंदर ये एक सप्लीमेंट्री है आता है तो वेल एंड गुड नहीं आता देन आल्सो इट्स ओके तो ये आपका आपकी बॉडी में आएगा एंड कमिंग टू यर कंक्लूजन कंक्लूडिंग लाइन आपने लिखना है सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लोबल एग्रीमेंट एड्रेसिंग एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी ठीक है जी एंड कमिट टू कोऑपरेटिंग विद द डेवलपिंग कंट्रीज एंड पर्टिकुलरली दो एल डी जो आपके लोअर आपके लीस्ट डेवलप कंट्रीज है डेवलपिंग और एल डी सी के साथ जो आपके डेवलप्ड कंट्रीज की कोऑपरेशन को एनहांस करने के लिए और उसे और बढ़ाने के लिए एंड टू मेक श्योर दैट देयर इज सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडावर्सिटी उसके लिए है आपका ये यूएन सी बी डी ठीक है so, एक कंक्लूडिंग लाइन आपने लिखनी है ठीक है ना दैट इज ऑल अबाउट वट यू आर सपोज टू राइट इन अ फोर मार्क्स क्वेश्चन

It up all the in जो भी है वो आपने इन डिटेल लिखना होता है ठीक है ना अब बॉडी में क्या लिखेंगे ई के बारे में ये क्या है ये कब अडॉप्ट हुआ है, जी? फिर उसके है आपका स्टेजेस के बारे में की वट आर द स्टेजेस इन्वॉल्व इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई आई ए ई जब होता है तो कौन कौन सी स्टेजेस के थ्रू वो सारी डेलीब्रेशन होती है और एट द एंड यू कंक्लूड बाईर समराइजिंग ठीक है ये तीन पार्ट्स आपके आंसर के होने मैंडेटरी हैं इफ यू वांट टू सिक्योर गुड मार्क्स इन योर नॉन क्वेश्चन ठीक है जी सो व्हाट इज इंट्रोडक्शन ई ये है तो वी विल सिंपली स्टार्ट बाय राइटिंग द डेफिनेशन बिकॉज यू कैन स्टार्ट इंट्रोडक्शन आपकी कंटेक्स बेस्ड भी होती है करंट बेस्ड भी होती है डेफिनेशन बेस्ड भी होती है तो इस यह टाइम यहाँ पे हमारा डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन आएगी सो एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्या है सो दिस इज अ स्ट्रक्चर्ड मेथड टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड ये स्ट्रक्चर्ड मेथड है एक टूल है है ठीक ना सो बेसिकली ये क्या है दिस इज अ टूल टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड पोटेंशियल एनवायरमेंटल इफेक्ट कि आपका अगर कोई भी अपकमिंग प्रोजेक्ट है कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसके आपके एनवायरमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट और इम्पैक्ट हो सकता है ठीक है जी उसे पहली बात तो एनालाइज करना और उसे समझना कि क्या नेगेटिव अगर है अगर कोई भी देर इज अ डैमेजिंग इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट तो वो किस हद तक हो सकता है ठीक है जी एंड दिस आल्सो इन्वॉल्व टेकिंग इनटू कंसीडरेशन कि आप और कौन से मिटिगेशन अडॉप्ट कर सकते हैं आप कौन से ऑल्टरनेटिव मेथड्स अडॉप्ट कर सकते हैं टू ठीक है ना इंप्लीमेंट सोवेंट सो प्रोजेक्ट तो वो सब कुछ आपके ई आई ए डेफिनेशन में ही आता है सो इट हेल्प्स इन इवेलुएटिंग एंड प्रोडिक्टिंग हाउ द प्रोजेक्ट्स माइट इंपैक्ट द नेचुरल बिफोर देयर इंप्लीमेंटेशन लगाने से पहले इंप्लीमेंट करने से पहले ही एनालाइज करना प्रोडिक्ट करना इज ई आई ए ठीक है जी और जब नाम से पता चल रहा है कि एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट है तो, तो यहां पे प्राइमरी फोकस आपका एनवायरमेंट के ऊपर होगा ओके सो इन इंडिया अगर हम बात करें तो so, इंडिया में ई आई एज गवर्न बाई नोटिफिकेशन अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ नाइनटीन एटी सिक्स ठीक है जी एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस और इसी मिनिस्ट्री के अंडर आपकी बॉडीज बनाई जाती हैं जिसमें आती हैं आपकी नो नेशनल एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटीज़ और स्टेट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटीज़ और आपकी अप्रेजल कमिटीज बनती हैं नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी जो कि आपके पूरे के पूरे ई प्रोसेस को

किस हद तक उसको इंप्लीमेंटेशन की तरफ लेके जाना है या नहीं लेके जाना है ठीक है जी सो द एक्सपर्ट्स दे विल प्रोवाइड द टेक्निकल नॉलेज एंड द गाइडेंस थ्रू आउट द एंटायर प्रोसेस ऑफ दिस एंड लोकल कम्युनिटीज एंड जो आपके एनजीओज हैं सो दे पार्टिसिपेट थ्रू पब्लिक कंसल्टेशन सो पब्लिक कंसल्टेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन ई आई ए तो लोकल और आपके जितने भी लोकल एनजीओज हैं तो दे पार्टिसिपेट थ्रू पब्लिक कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन इन दिस प्रोसेस ठीक है जी अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो टू 2006 में एक नोटिफिकेशन आई थी ई आई ए की ठीक हैज डी सेंट्रलाइज द एनवायरमेंटल क्लियरेंस बाई कैटेगराइजिंग द दोजेक्ट इन टू टू कैटेगरीज आपकी ई आई ए की नोटिफिकेशन आई टू थाउजेंड सिक्स में जिसमें आपके पूरी कंट्री में जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लगने हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी कैटेगरी ए वो होते हैं वो प्रोजेक्ट्स जो नेशनल गवर्नमेंट अंडरटेक करती है

जिनकी सिर्फ स्क्रीनिंग होगी मतलब बी टू वो प्रोजेक्ट्स होते हैं कि जिनकी ई आई ए हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है वो हमें कहाँ से पता चलेगा स्क्रीनिंग करके सो कैटेगरी बी टू प्रोजेक्ट की स्क्रीनिंग होगी एंड दैट विल एंश्योर कि वेदर दैट सो सो प्रोजेक्ट इज टू बी अंडरटेकन फॉर ई आई ए और वो उसे हम विदाउट ई आई ए ही आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं ठीक है जी सो ए कैटेगरी ए प्रोजेक्ट सिकन जिसकी नेशनल लेवल अप्रेजल होती है और कैटेगरी बी प्रोजेक्ट जिसकी स्टेट लेवल अप्रेजल होती है ठीक है जी एंड कैटेगरी ए रिक्वायर मैंडेटरी एनवायरमेंटल क्लियरेंस ठीक है न दस दे डू नॉट अंडर गो द स्क्रीनिंग प्रोसेस जिनकी मैंडेट्री होनी होती है उनकी स्क्रीनिंग नहीं होती है जो कैटेगरी बी प्रोजेक्ट होते हैं ठीक है ना उनकी भी उन दो, दो टू कैटेगरीज के होते हैं बी वन एंड बी टू जो बी वन प्रोजेक्ट की मैंडेटरी ई आई ए होती है तो दे डू नॉट रिक्वायर एनी स्क्रीनिंग ठीक है जी एंड कैटेगरी बी टू ठीक है ना विच जिनकी मैंडेटरी ई आई ए नहीं होती है तो फिर उनकी स्क्रीनिंग होती है कि ई आई ए आगे कैरी फॉरवर्ड करना है कि नहीं करना है सो so, जो कैरी फॉरवर्ड होगा जिनकी स्क्रीनिंग के बाद लगेगा पता कि नहीं ई आई ए इट इज़ नेसेसरी तो फिर वो बी वन कैटेगरी में इंक्लूड कर लिए जाते हैं ठीक है ना जिनकी नहीं है कि ई आई ए के बिना भी हम वो प्रोजेक्ट आगे चलेंगे और एन्वायरमेंट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा तो वो आ जाते हैं आपके बी टू के प्रोजेक्ट्स ठीक है जी सो दे डू नॉट रिक्वायर योर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ठीक है जी, so अब आते हैं जो हमारा second part था का कि तो in 2006 की जो जो हुई है, जो notification आई है, आई उस notification के अंडर, the latest notification as of today, तो हमें उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली ही चलना है उस नोटिफिकेशन के अंडर हमारे चार स्टेप्स आते हैं तो बहुत जरूरी है कि आपके आंसर में चार स्टेप्स का नेम होना चाहिए सो so पहला स्टेप है स्क्रीनिंग दूसरा स्टेप है स्कोपिंग

पब्लिक हियरिंग इज द फर्स वो इज य स्क्रीनिंग सेकंड वॉज कॉपिंग एंड थर्ड इज यर पब्लिक हियरिंग पब्लिक हियरिंग में लोगों के साथ कंसल्टेशन होती है लोकल कम्युनिटीज लोकल एनजीओ दे पार्टिसिपेट एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट प्रोजेक्ट प्रोपोन ओनली की दे हैव टू मेक श्योर दैट दी लोकल कम्युनिटीज आर मेड अवेयर ऑफ द एंटायर प्रोजेक्ट कि वट आर दी मेजर वट आर द फीचर्स ऑफ द प्रोजेक्ट वट वट इज द बेनिफिट द लोकल कम्युनिटीज दे आर गोइंग टू गेट फ्राम दट सो एंड सो प्रोजेक्ट इज इम्प्लीमेंटेड ठीक है जी

तो वहां पे उनके अप्रेजल होती है वहां पे एनवायरमेंटल इंपैक्ट को स्टडी किया जाता है सोशल इंपैक्ट को स्टडी किया जाता है एंड इफ द कमिटीज दे फाइंड दैट येस

इंटर मिनिस्टर कोऑर्डिनेशन का जो स्टेप होता है वो भी यहीं पे आता है कि sectors, they, they detail, ना? तो वो सब कुछ आपकी अप्रेजल कमेटी के अंडर आता है ठीक है जी सो दीज इंक्लूडेड इन ई आई ए प्रोसेस फिर लास्ट में अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो यू हैव टू कंक्लूड जस्ट बाय समराइजिंग जो भी आपने ऊपर लिखा है सो दिस इज क्रूशियल टूल फॉर प्रोमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनश्योरिंग प्रोटेक्शन वाइल्ड अंडरगोइंगेटिव आपने सिर्फ समराइज करना है और हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना है ऑलरेडी अपनी बॉडी में सब कुछ लिख लिया है बट ये लिखना जरूरी है बिकॉज इवेंचुअली एट द एड ऑफ द क्वेश्चन यू विलराइजिंग योर क्वेश्चन कीटन सोवन सो पॉइंट नाउ आई एम क्लोजिंग माई आंसर ठीक है नेक्स्ट so, क्वेश्चन आता है सो दिस इज ट्वेंटी मार्क्स क्वेश्चन वट इज ने वट इज देशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज ठीक है जी आपके पास क्वेश्चन आया था एन ए पी सी सी का डिस्कस वेरियस प्रोग्राम दैट आर बिंग इम्प्लीमेंटेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन दी फील्ड ऑफ क्लाइमेट चेंज पहला पार्ट है कि आपने एन ए पी सी सी के बारे में बताना है कि इसको डिटेल में बताना है 20 सो यू हैव टू डि एवरीथिंग इन डिटेल दिस एन ए पी सी सी एंड द सेकेंड पार्ट इज दैट यू हैव टू डि वेरियस प्रोग्राम्स विच आर बींग इम्प्लीमेंटेड अंडर दिस एन ए पी सी सी की अगर आपके कोई प्रोग्राम्स हैं कोई इनिशियटिव है एन ए पी सी सी के अंडर तो आपको उसको डिटेल में डिस्कस करना है सो दिस दिस इज अग क्वेश्चन तो के साथ कुछ भी अगर एसोसिएटेड है तो वो आपको अपने आंसर में लिखना होगा ओके okay जी सो so, अगर हम स्ट्रक्चर uh, की बात करें सो व्हेन डिस्कस्ड है तो व्हेन वी हैव गॉट आपके पास डिस्कस आता है तो आपको उसके यू you नो know, सब कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आईड नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव सब कुछ डिटेल में लिखना होता है ठीक है ना सो इंट्रोडक्शन में लिखेंगे व्हाट इज दिस एनएपीसीसी ऑल अबाउट ठीक है जी बॉडी इंट्रोडक्शन में विल सिंपली स्टार्ट वाई डिफाइनिंग वट इज दिस एन ए पी सी सी वट इज दिस होल प्रोजेक्ट ऑल अबाउट फिर बॉडी में हम डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे एन ए पी सी सी अगर उसके कोई ऑब्जेक्टिव हैं कोई प्रिंसिपल्स हैं वाई द गवर्नमेंट हैज लॉन्च दिस प्रोजेक्ट वो डिस्कस करेंगे देन डिटेलिंग ऑफ ऑल द एट मिशन ऑफ एन ए पी सी सी एन ए पी सी सी के अंडर गवर्नमेंट ने एट मिशन लॉन्च किए हैं तो उनको डिटेल में डिस्कस करना है एंड सिंस दिस इज द लॉन्ग क्वेश्चन सो यू हैव टू डिस्कस दैलेंजेस ऑल्सो कि इन मिशन को अंडरटेक करने में ठीक है ना क्या क्या चैलेंजेस फेस किए जा सकते हैं करने पड़ सकते हैं और उनके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं लास्टली कंक्लूडिंग योर आंसर विद वे फॉरवर्ड सो दिस इज द स्ट्रक्चर व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड बाय राइटिंग अ 20 मार्क्स क्वेश्चन ओके बस 8 मार्क्स और 20 मार्क्स में द डिफरेंस इज ऑल अबाउट द कंटेंट उसमें कम लिखना है 20 मार्क्स में आपने ज्यादा लिखना है ओके सो इंट्रोडक्शन एन एपीसी वॉस लॉन्च इन टू थाउजेंड एट बाई प्राइम मिनिस्टर्स काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज

डेवलपिंग कंट्री वी नीड टू अंडरटेक प्रोजेक्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री तो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को मिटिगेट करते हुए हम कैसे अपनी कंट्री में सस्टेनेबल वे में डेवलपमेंट कर सकते हैं उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने एन एपीसी लॉन्च किया एंड ये लॉन्च हुआ था टू थाउजेंड एट में ठीक है जी

वहां पे भी देखेंगे वाइल एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज चैलेंजेस आपने अपने डेवलपमेंटल गोल्स को भी पूरा करना है और क्लाइमेट चेंज के थ्रेट्स को भी आपने काउंटर करना है ठीक है ना सो इट शिफ्ट प्रोजेक्ट्री एंड एनहांस दी एग्जिस्टिंग एंड प्लान प्रोग्राम एंड टेक्नोलॉजीज टू एड्रेस क्रिटिकल एंड अर्जेंट नीड्स आपने अपनी अर्जेंट नीड्स को पूरा करते हुए कैसे आप सस्टेनेबल वे में कर सकते हैं अब लेट आई गिव यू एन एग्जाम्पल हमारी कंट्री में वी नीड एनर्जी सिक्योरिटी ठीक है ना तो हमें एनर्जी चाहिए अब एनर्जी तो आप थर्मल पावर प्लांट से भी बना सकते हो बाय यू नो यूजिंग द कोल बट कोल इज नॉट यूजिंग कोल इज नॉट सस्टेनेबल क्योंकि बहुत सारी हार्मफुल गैसेस गैसे रिलीज गैसे हो रही हैं और एयर पोल्यूशन ऑलरेडी इतना ज्यादा है सूट रिलीज होती है एयर पोल्यूशन जो आपकी कोल की बर्निंग होती है और उस सूट की वजह से आपके ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं तो ये क्या हो रहा है आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो इवेंचुअली हमारा फोकस तो एनर्जी प्रोडक्शन है ना तो एनर्जी हम नॉन रिन्यूएबल की जगह फॉसिल फ्यूल्स को यूज करने की जगह हम रिन्य से भी यूज कर सकते हैं तो यू कैन यूज योलर एंड मिशन सोलर एनर्जी यू कैन यूज यनर्जी ठीक हैिफ्टिंग दिस प्रोजेक्टरी डेवलपमेंटल प्रोजेक्टरी ठीक है ना वाइल फोकसिंग ऑन क्लाइमेट चेंज थ्रेट ठीक है सो दैट इज योर एन ए पी सी सी ठीक है जी सो so, इसके आपके ये प्रिंसिपल थे जिसके ऊपर आपके ये प्रोजेक्ट काम करता है सो प्रोटेक्टिंग दल्नरेबल से ऑफ द सोसाइटी थ्रू सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्योंकि अगर क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो सबसे पहले जो सेक्शन जिसके ऊपर क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट आता है वो आपके ये वल्नरेबल सेक्शन ही होते हैं तो उनके इंटरेस्ट को सबसे पहले प्रोटेक्ट करना है ठीक है ना साइमल्टेनियसली अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को भी हमने काम करना है सो स्ट्राटेजिक रिस्पोंसेस को देखते हुए कि आपने क्लाइमेट चेंज को डील करना है ठीक है जी आपने डेवलपमेंट भी करनी है बट Side by side, you have to protect the interest of these vulnerable population also. Second is achieving the national growth through qualitative changes. that enhances sustainability. You have to national growth qualitative, qualitatively also. Not just the quantitatively. So it is that you have to focus on quality also. That कि sustainability. Second is employing. So this was the first.

रेगुलेटरी एंड वॉलेंटरी मकानिजम्स टू प्रोमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आपके आपको बहुत सारे रेगुलेटरी और वॉलेंटरी मकैनिज्म को भी इम्प्लीमेंट करना है ताकि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सके साथ साथ आप क्लाइमेट चेंज को भी टैकल आउट कर सकते हैं ठीक है जी उसके बाद इफेक्टिवली एक्सिक्यूटिंग प्लान थ्रू यूनिक लिंकेजेस विद सिविल सोसाइटी एंड लोकल गवर्नमेंट आपने ये हम कहते हैं कि हमने वॉलन्ट्री मकैनिज्म को इम्प्लीमेंट करना है तो इम्प्लीमेंट अकेले तो हो नहीं सकता है सो यू हैव टू इम्प्लीमेंट दीज मकैनिज्म थ्रू लिंकेज बिटवीन दी प्राइवेट सेक्टर बिटवीन दी गवर्नमेंट एजेंसीज एंड योर सिविल सोसाइटीज सो सिविल सोसाइटी और लोकल गवर्नमेंट्स को हमने साथ लेके चलना है जब भी हम एन ए पी सी सी के अंदर किसी भी मिशन की बात करते हैं इवेंचुअली इम्पैक्ट लोकल पॉपुलेशन के ऊपर सबसे ज्यादा है तो लोकल पॉपुलेशन को गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स के साथ लेके चलना इज योर वन ऑफ द मिशन और योर प्रिंसिपल ऑफ दिस प्रोजेक्ट ठीक है ना एंड लास्टली इंकरेजिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन बिकॉज इवेंचुअली व्हेन इट कम्स टू मिटिगेटिंग द इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज यू नीड क्लीन टेक्नोलॉजी ठीक है यू नीड क्लीन टेक्नोलॉजी और क्लीन टेक्नोलॉजी के लिए आपको फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट चाहिए तो उसके लिए नीड नी टू हैव दट इंटरनेशनल कोऑपरेशन ठीक है ना सो एनकरेजिंग इंटरनेशनल कऑपरेशन फॉर रिसर्च डेवलपमेंट डेटा शेयरिंग एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फेसिलिटेटेड बाई एडिकुएट फंडिंग एंड सपोर्ट ठीक है ना तो वेरियस इंटरनेशनल एजेंसीज की सपोर्ट और फंडिंग के थ्रू आप वो रिसर्च और डेवलपमेंटल डेटाबेस का एक्सेस करके लेके यू आर वर्किंग ऑन Principles हैं। अब पे आप ऑब्जेक्टिव भी लिख सकते हो आप प्रिंसिपल भी लिख सकते हो तो ठीक है ना द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जट यू टू राइट इन डिटेल अबाउट दस प्रोग्राम एपीसी तो आठ मिशन आते हैं हमारा पहला आता है हमारा नेशनल सोलर मिशन सो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर सो इट एम्स टू ऑगमेंट दी प्रोपोर्शन ऑफ सोलर एनर्जी कैसे आप सोलर एनर्जी को यूज करके अपनी कंट्री में एनर्जी सिक्योरिटी को लाइक uh, like हम वी कैन अचीव दिस एनर्जी सिक्योरिटी एंड ब्रॉडनिंग स्कोप ऑफ अदर रिन्यूएबल रिसोर्सेज ठीक है जी एडिशनली इट एडवोकेट द इनिशिएशन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन दिस प्रोग्राम ठीक है जी सो इनिशियली देयर वाज एन एम ऑफ जब यह प्रोग्राम लॉन्च किया गया था तो टिल 2020 ट्वेंटी द टारगेट वॉज ट्वेंटी गीगा

रिन्यूएल सोर्साजी टू बी प्रोड्यूस फ्रॉम ऑल द रिएबल सोर्स का सोलर पैनल सोलर एनर्जी से आएगा ठीक है जी सो दिस वॉजर मिशन सेकंड आता है नेशनल मिशन फॉर एनहांस एनर्जी एफिशियंसी आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर

ठीक है ना लाइक इफेक्टिवली दे आर प्रोड्यूसिंग द आउटपुट बाय यूजिंग मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी तो इसी के लिए इसी के अंडर हमारी इस ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का एक प्रोग्राम चल रहा है जिसे हम स्टार लेबलिंग प्रोग्राम कहते हैं जिसकी कई अप्लायंसेस की मैंडेटरी स्टार लेबलिंग होती है कई अप्लायंसेस की स्टार लेबलिंग होती है तो वो आपका आता है मिशन फॉर एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी की कैसे आप एफिशिएंटली जितनी आपके पास एनर्जी बनी है चाहे सोलर चाहे, चाहे रिन्यूएबल सोर्सेज है बट क्या आपका वो एफिशिएंट है कि कम एनर्जी यूज करके वो ज्यादा आउटपुट दे सके तो उसके लिए आपका ये है नेशनल मिशन फॉर एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है जी एन एम ट्रिपल ई उसके बाद आता है आपका नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट अब ये सस्टेनेबल हैबिटेट का मिशन आया है बिकॉज बिकॉज अर्बन पॉपुलेशन ठीक है जी हमारा अगर हम सेंसस की बात करें तो टू थाउजेंड इलेवन सेंस कहता था कि हमारी कंट्री में अप्रॉक्सीमेटली थ्री सेवन सेवन मिलियन पीपल दे आर लिविंग इन अर्बन एरियाज एंड बाई ट्वेंटी थर्टी ठीक है ना बाई ट्वेंटी थर्टी दिस नंबर इज गोइंग टू इनक्रीज टू सिक्स हंड्रेड मिलियन पीपल तो जब इतना ज्यादा नंबर अर्बन एरियाज में रहेगा तो उनको अर्बन एरियाज में रहने के लिए प्रॉपर हाउसिंग प्रॉपर शेल्टर ठीक है ना बेसिक सर्विसेज लाइक फूड ट्रांसपोर्टेशन ठीक है ना वो कैसे आप उन्हें एक सस्टेनेबल वे में वो हैबिटेट प्रोवाइड कर सकते हैं प्रोवाइडिंग क्लीन क्लीन एनर्जी ठीक है ना ग्रीन एरियाज बढ़ाना ठीक है ना डिजास्टर डिजास्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना उसके लिए आता है आपका ये नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट और इसी के अंदर हमारी लाइक कंट्री का अमृत मिशन यू नो दैट स्वच्छ भारत मिशन स्मार्ट सिटी प्रोग्राम्स वो सभी इसी मिशन के अंडर आते हैं ठीक है जी कैसे आपने अपनी अर्बन एरियाज को बल वे में डेवलप करना है सो यू हैव टू इंटीग्रेट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विथ इज बिल्डिंग, कनेक्टिंग टी ग्रीन, ग्रीनरी ठीक है ना तो उसको कनेक्ट करने के लिए आपके पास ये है आपका नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट इज नेशनल वॉटर मिशन सो इसका जो मेन एम हैव वॉटर मिनिमाइज द वेस्टेज एंड इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द कंट्री हमारी कंट्री में इंट्रास्टेट इंटरस्टेट डिस्क्रिपेंसीज है तो वो इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन हो एंड एवरीथिंग टू एनहास दॉटर यूज़ एफिशियसी बाई ट्वेंटी परसेंट ठीक है हमने अपनी जितना हमारे पास पानी है उसकी हमने एफिशंसी ट्वेंटी परसेंट तक बढ़ानी है ठीक है जी जिसमें आपकी सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ वाटर आता है ठीक है जी स्टोरेज रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड एफिशियंट इरीगेशन सिस्टम ठीक है जी तो ये सारा आता है अब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर हम अपनी कंट्री की बात करें हमारी कंट्री में दुनिया का सिर्फ 4 परसेंट फ्रेश वाटर सोर्सेज हैं सो ओनली ऑफ द फ्रेश वाटर सोर्सेज आर इन इंडिया अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो सेवन ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन लिव्स इन इंडिया तो कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा पॉपुलेशन को इतना कम पानी है तो वी नीड टू हैव दिस सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ वाटर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी मच नेसेसरी फॉर अवर कंट्री एज ऑफ टूडे ठीक है जी सो नेक्स्ट आता है मिशन नंबर फाइव विच इज नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हिमालय वो एक वो इकोसिस्टम है जहां पे 51 मिलियन पीपल दे प्रैक्टिस एग्रीकल्चर और क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे पहले जो सेक्टर इंपैक्ट होता है वो एग्रीकल्चर होता है और अगर हम क्लाइमेट चेंज हिमालय की बात करें बिकॉज ऑफ द इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज दे आर वेरी मच वरेबल बिकॉज ऑफ द टेक्टोनिक एक्टिविटी ऑफ दिस रीजन द पीपल आर वेरी मच वरेबल तो कैसे आप इस रीजन की सस्टेनेबल वे में डेवलपमेंट कर सकते हैं बाई टेकिंग इन टू कंसिडरेशन ट्रेडिशनल नॉलेज ऑल्सो कोऑर्डिनेशन लिंकेजेस बिटवीन वेरियस सेक्टर्सोमी आप कैसे हिमालयन इकोलॉजी को सस्टेनेबल डेवलप कर सकते हो उसके लिए आपका नेशनल मिशन एम्पावरिंग लोकल कम्युनिटीज पर्टिकुलरली पंचायत दे आर सपोज टू प्ले मेजर रोल ठीक है ना सो अडॉप्शन ऑफ अप्रोप्रेट लैंड यूज प्लानिंग एंड मैनेजमेंट अथॉरिटीज सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोटेक्शन स्ट्रटेजीज एंड सोर एंड सोहोर्थ ना, तो वो आपका आता है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम देन नेक्स्ट मिशन इज नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया ठीक है ना तो इस मिशन के अंडर हमारी गवर्नमेंट का फोकस है द गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन प्लांटिंग ट्रीज ऑन फाइव मिलियन एरिया ठीक है ना फाइव मिलियन हेक्टेयर एंड ऑन अनदर फाइव मिलियन हेक्टेयर द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू री द प्रोडक्टिविटी ऑफ नेक्स्ट फाइव मिलियनर्स दोटल एरिया जो इस मिशन के अंडर आता है वो आपका टेन मिलियन हेक्टेयर आता है जहां पर हमने ग्रीन बेल्ट को बढ़ाना है और जो ऑलरेडी है उसकी प्रोडक्टिविटी को हमने और एनहांस करना है इकोलॉजी ऑफ दिफ्टिंग शिफ्टिंग कल्टिवेशन एरियाज ठीक है ना एंड ऑल दो वेस्ट एरियाज ठीक है ना उनकी बैंड लाइक जो आपके बैंड माइंड होते हैं उनके एरियाज को आपकी डिग्रेडेड वेटलैथ है उनके एरियाज की आपकी जितनी भी प्रोडक्टिविटी उस एनहांस

सो नेक्स्ट मिशन आता है नंबर सेवन इज द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए है सो दिस इज टू मेक द इंडियन एग्रीकल्चर मोर रिजिलियंट टू क्लाइमेट चेंज ठीक है ना सो इट फोकसिंग ऑन इट फोस ऑन आइडेंटिफाइंग न्यू क्रॉप इंटीग्रेटिंग दी ट्रेडिशनल नॉलेज मॉडर्न टेक्नोलॉजीज वर्किंग ऑन यू नो लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट देन यू हैव गॉट दी इंश्योरेंस वेदर इंश्योरेंस लिंकेजेस वर्किंग ऑन दी हेल्थ ऑफ द सॉइल थ्रू दॉयल्थ का आते हैं जितने भी ये सारे एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल वे में डेवलप करने के लिए फार्मर्स की इनकम को डबल करने के लिए जितने भी आपके मेथड्स हैं, हैं सस्टेनेबल यूज वो आपके आते नेशनल मिशन फॉर ग्लोबल कम्युनिटीज के साथ मिलकर ट्रेडिशनल नॉलेज जो बेस है उसको साथ इंटीग्रेट करके आप इंटरसेक्टोरल जो आपकी कोऑर्डिनेशन आप कैसे बढ़ा सकते हैं हाउ एवरीथिंग टुगेदर वी कैन बाई लेक वर्किंग टूगेदर विद ऑल दीज एजेंसी हम अपने कंट्री से क्लाइमेट चेंज के थ्रेट को कैसे हम मिटिगेट कर सकते हैं ठीक है ना सो इट एम्स टू कोलाबोरेट द ग्लोबल कम्युनिटी इन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ठीक है जी एंड थ्रू सपोर्ट ऑफ डेडिकेटेड क्लाइमेट चेंज इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटीज एंड एनकरेजेज द सेक्टर्स फॉर डेवलपिंग वेरियस इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज फॉर अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन तो ये आपके आठ मिशन हैं ठीक है जी विच कम अंडर योर एन ठीक है अगर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो बहुत सारे जैसे आपका नेशनल मिशन फॉर एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी है वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर है आपका नो सस्टेनेबल आप यू नो यू हैव दिस मिशन नॉलेज सो इज अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो कुछ आपके ऐसे मिशन हैं विच आर अंडर सर्टन मिनिस्ट्रीज बाकी सारे के सारे आपके मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर ही आते हैं ठीक है जी और इसमें आपके इंटर आ, थ्रू आउट द इंडस्ट्री वेरियस इंडस्ट्रियल प्लेयर्स डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्रीज के साथ इंटर लाइक कोऑर्डिनेशन करके आपके मिशन को अंडरटेक किया जा रहा है ठीक है जी अब वट आर द चैलेंजेस ये तो हमारी गवर्नमेंट के मिशन लॉन्च हुए हैं बट चैलेंजेस भी तो होंगे कुछ तो वट आर द चैलेंजेस पहला आता है लैक ऑफ कमिटमेंट टू रिड्यूस कार्बनिशन सो दिस इज दोटेबल चैलेंज नेक्स्ट इज ओवर एम्फेसिस ऑन सोलर एनर्जी बिकॉज एक ही एलिमेंट के ऊपर ऊपरिस कर रहे हैं वी आर नॉट यूटिलाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ सोलर विंड एनर्जी वी आर नॉट यूटिलाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ नो दू नो टाइडल एनर्जी 7500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है बट हम उस पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं ठीक है ना सो हिंडरिंग द पोटेंशियल प्रोग्रेस देन मल्टी सेक्टोरल मिशन लाइक सस्टेनेबल हैबिटेट है वाटर है एग्रीकल्चर है तो वहां पर कोऑर्डिनेशन इशूज फेस किए जा सकते हैं बिकॉज ये वो मिशन है जहां पे आपको मल्टीपल डिफरेंट सेक्टर्स के एक्सपर्ट्स के साथ डील करना होगा

तो so, आपके जो रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम्स हैं वहाँ से कितनी जनरेट हो रही है उन इन सभी प्रोग्राम्स की अब एनए ए लाइक एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी की कितने परसेंट आपने एफिशिएंटली एनर्जी यूज की है सो so, उनकी मॉनिटरिंग इज नॉट न रेगुलर ऑन अ रेगुलर बेसिस ठीक है जी देन नाउ अब हाउ कैन यू डू ऑल दिस हाउ कैन यू

दीज चैलेंजेस दे प्रेजेंट दॉर्चुनिटी फॉर डिस्कशंस ऑल्सो ठीक है डिस्कशन की बहुत बड़ी अप्रो पॉसिबिलिटी अप, है टू मेन स्ट्रीम दी क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव ठीक है ना एंड लास्टली इंडिया बींग एन अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग मिनिमली टू क्लाइमेट चेंज तो हम एडवांस टेक्नोलॉजीज को यूज करके क्योंकि हमारी कंट्री में स्टार्टअप कल्चर बहुत बढ़ रहा है तो उन स्टार्टअप्स को आपकी क्लाइमेट चेंज के को टैकल करने के लिए इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज को ना इन्वेंट करने के लिए हम वो उन्हें वो सब्सिडी दे सकते हैं उन्हें उन्हें बहुत सारे वो एक सपोर्ट दे सकते हैं फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट जिसके थ्रू हम अपने जो हमारा ये जो विजन है ठीक है ना टू लाइक काउंटर थ्रेट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज उसे हम अचीव कर सकते हैं ठीक है जी so that was about the eight missions and the challenges and the possible solutions. up conclusion, conclusion, make a way forward. so what should be the way forward? that india commits to active engagement in multi-sectoral climate change. Thikana? so that you need to have continuous and sustainable initiatives taken with uh, like a contribution from various industries and individuals. Thikana? then the release of napcc demonstrates that the government is committed to climate change action. so, जितने भी आपके इश्यूज हैं रिगार्डिंग अवेयरनेस लैक ऑफ अवेयरनेस अवेयर लैक ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन है तो उसको साइमल्टेनियसली अगर हम उसे एड्रेस करेंगे जितना जल्दी एड्रेस कर लेंगे उतना ही हमारे इस मिशन की सक्सेस को हम वी कैन विल बी एबल टू सी दी दिस मिशन गेटिंग सक्सेसफुल ठीक है जी सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस थ्री क्वेश्चन अब आता है आपका टारगेट क्वेश्चन फॉर टूमोरो वट यू आर सपोज टू राइट सो राइट अट ऑन दाईलाइट ऑफ आपकी जो सिक्स असेसमेंट रिपोर्ट आती है ठीक है ना उसके बारे में आपने लिखना है इन फोर मार्क्स देन इन एट मार्क्स यू हैव टू राइट अबाउट सी वट डू यू अंडरस्टैंड ट्रिपल सी वट वर दर आउटकम्स ऑफ सीओपी ट्वेंटी एट ठीक है

कंसर्न आपकी जो फैकल्टी है वो इन्हें असेस कर देंगे इवेलुएट कर लेंगे ठीक है जी सो दैट्स ऑल फॉर टुडे आई होप आपको हमारे जो डिटेल्ड इवेलुएशन थी जो असेसमेंट थी कि हमने क्वेश्चन में क्या करना है कैसे लिखना है क्या लिखना है वो आप आई थिंक आपको समझ आ गया है सो दैट्स ऑल फॉर टुडे विल मीट मीट यू अगेन टुमारो विद दिस लाइक इवेलुएशन ऑफ दिस क्वेश्चन जहाँ पे हम इनका डिस्कस करेंगे कि कैसे आप इन क्वेश्चन को भी हम एक अगर हमने मेन्स में अच्छे नंबर लेने हैं तो इनको हम कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं सोल देन गुड बाय टेक केयर एंड थैंक यू एंड All the very best for your mains examination. Thank you.